गाइस वेलकम बैक टू रेखा नील ब्लॉग। देखिए यहाँ पे आज पनीर तो आपने बहुत भारी खाया होगा, लेकिन अब देखिए आज मैं भी पनीर बना रही हूँ एक अलग तरीके से। ये देखिए ये ऑनियन यहाँ पे, ये पीछे मेरा छोटा ब्लॉगर मेरी कॉपी कर रहा है। तो आई थिंक ये ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं। मैंने कुछ थोड़ा पहले यहाँ कैप्सिकम और कुछ ऑनियन हमने फ्राई करके इधर रख दिए हैं, और ये देखो ये मिक्सर कर दिया है टमाटर और ये डाल दिया हमने इसमें टमाटो। अब इसको अच्छे से भुनना है, पकाना है इसमें, जिससे इसमें कच्चापन ना आए इसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए, और कढ़ाई आप देख रहे होंगे छोटी कढ़ाई है, क्योंकि खाने वाले भी हम सिर्फ दो तीन ही हैं, इसलिए कढ़ाई भी हमने छोटी कढ़ाई रखी है। डाले है नमक, जिससे टमाटर जल्दी पक जाता है, इसमें कच्चापन नहीं आता है। अच्छे से पकाना है इसको, इसको हल्की आंच पे, मतलब हल्की आंच पे पकाते रहते जिससे जल नहीं जाता है। और पनीर को बनाते बनाते लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, तो आप इसलिए वीडियो पूरी देखें और पनीर बनने की प्रोसेस भी सीखिए। इसमें डाल दें ये थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, इसको भी इसमें अच्छे से मैश करेंगे, पकाएंगे जिससे इसका कलर भी आ जाए। और ये देखिए धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा ही लग रहा है। अम्मा और पनीर बनाते बनाते ये मेरे पीछे है, ये मेरा छोटा ब्लॉग खड़ा हो रखा है, ये मम्मा मम्मा करके परेशान कर रहा है ना। मम्मा मुझे अपनी कॉलेज से दिखाओ पापा क्या बना रहे हैं। हाँ तो वेट करो, अभी वेट। डाल दे इसमें थोड़ा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, आवश्यकता अनुसार कम हो ज़्यादा हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और हम लोग इसमें मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम मिर्ची नहीं खाते हैं। और जिसको जो मिर्ची खाना पसंद करते हो, इसमें थोड़ा लाल मिर्ची डाल सकते हैं या हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं। और ये हो रहा है यहाँ पे पनीर कट। अब देखिए पनीर की कैसे स्लाइस कटिंग और पनीर कटिंग हो रहा है इस तरीके से, बड़े कांपते हुए। मम्मा गिरने नहीं बेटा, और ये हो रहा है पनीर कट। पनीर कट, और यहाँ पे बन रही है पनीर की ग्रेवी, और ये डाल दिया हमने इसमें पनीर तो जिस तरीके से। और देखिए ये ग्रेवी अच्छा लग रहा बेटा, आप चेयर पर खड़े हो जाओ। ये क्या करा, दो स्पून यूज हो रहे हैं। अब देखिए ये तो एक तरीके से भी पनीर बन चुका है, और इसमें और अच्छा ये देखें हमारे छोटे ब्लॉग को बड़ी बेचैनी हो रही कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। टमाटो लो, टमाटो नहीं पनीर है ना। और ये डाल दिया है इसमें हमने ऑनियन और कैप्सिकम। देखिए ये बन चुका है, इसको थोड़ा सा धीमी आंच में पकाना है, और ये बहुत ही लाजवाब बनेगा। आई थिंक उतना बेहतर नहीं लग रहा है, देखो नहीं हमें तो अच्छा लगेगा खाने में टेस्ट। आप भी आइएगा और इस पनीर कढ़ाई पनीर का टेस्ट कीजिएगा। आपके फोन में दिख रहा है, क्लोज योर हैंड, स्पीक नाउ। ओम भूर्भुवस्वः तत्पति दुर्मदेयम सर्वदेवचाहिमहि चोरो न प्रचोदया। और पनीर तो बस थोड़ा पकना बाकी है, और देखिए हमें बनाती हूँ रोटी। आटा रखा हुआ है, तवा गर्म हो रहा है, जब तक तवा गर्म हो रहा है और पनीर पक रहा है, फिर मैं आपको सीधा लास्ट में बनाऊंगी जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी रोटी भी और पनीर भी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना अपना कमेंट में बताइएगा कि आपको प्रोसेस कैसी लगी। और ये हो चुका है पनीर और मैं बना रही हूँ रोटी। ये देखिए गर्मा गर्म रोटी कुछ बन चुकी है और कुछ बना रही हूँ, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है बस बना रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में वीडियो बनाते हैं पूरा। और ये पूरा पक के तैयार हो चुका है, देखिए थोड़ा सा पकने बाद ये बन गया है कड़ाही पनीर। सो गाइस ये पूरा तैयार हो चुका है, तो चलो अब खाना खाते हैं। मेरे खा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।